या उनकी तरफ कोई झुकाव है, ऐसी कोई बात किस इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, कुछ घटनाओं से या कोई इंसिडेंट से ऐसी राय आपकी बन चुकी होगी या बन गई होगी, तो कार्रवाई से सुनिए आपकी कार्रवाई से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एकदम, क्या हुआ सर? मैं जिस दिन फर्स्ट डे ब्रह्मपुरी में यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आई तो वो तो उनका उनकी कार बाहर खड़ी, मैं अंदर वहाँ जल महल वहाँ पर वहाँ हो रही है होटल उसकी वहाँ पार्किंग कर रहे हैं हम लोग, तो इन्होंने साफ होने के लिए ये लोग तो आए नहीं यहाँ पे जब भी कार ये लोग खाने चीजों के बावजूद कार्रवाई होगी तब भी कोई दिक्कत है? नहीं, सब चीजों के बावजूद कार्रवाई देखो कोई भी आया होगा गया होगा अभी इन सब चीजों के बाद में किसी आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी होती है या कार्रवाई होती है? आपकी बात बिल्कुल आपकी जो भी भ्रांति है बन गई वगैरह, मैं तो कह रहा हूँ कि आप नक्शा मौका बनाइए और कार्रवाई के प्रति आश्वस्त रहिए, ठीक है ना? यही चाहिए आपको, तो अलग बात ले लीजिए, ये जो तरीका लगेगा फोन यही रखा, हम नाम देख रहे हैं कि मयंक का फोन कैसे आ रहा है, मर जाती है और फिर से कुछ करने को तैयार। मैं उस दिन यहाँ पर होके यहाँ पर 9 बजे आई थाने में और उसकी कार बाहर खड़ी थी, आगे मैंने घूम रहा है और कोई रो नहीं है, हमेशा सबके साथ। मेरे पास में 11:58 पर 15 तारीख को फ़ोन आता है रात के समय पे, रात 11:58 पर रात को मेरे पास में फ़ोन आता है कि आप SMS आ जाइए, उसके ससुर का लड़के के ससुर का, लड़के का नाम है पवन ओजट, उसके उसके पिता का नाम है गंगा सहाय जो कि BSNL में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बताया फ़ोन पे मेरे को 11 बजे कि आप ये ऐसे हो गया है घटना, आप SMS आ जाइए। मैंने कि क्या हुआ, कहने लगे उसको मनी को मेरी बिटिया का नाम डॉक्टर मनीषा त्यागी है, उसको कुछ मनीषा शर्मा है शादी के बाद, तो उसको कुछ हो गया है। तो जैसे ही हम घटनास्थल पे पहुंचे, बच्ची वहां पर पहुंची, बच्ची ने एक बार देखा कि उसने कपड़ा उसका ढका हुआ था, जैसे ही उसने कपड़ा हटाना चाहा तो उसने देखा कि मतलब ये तो बिल्कुल लड़के ने बताया कि तू हटा मत इसको, मर गई है तू, हटा मत इसको, ये तो मर गई है। तो उसने क्या, अरे मजाक क्यों कर रहे हो, उसने जैसे हटाया और उसने उसके हाथ और पांव दोनों मले, एकदम ठंडी पड़ी और पीली पड़ी, येलो हो रखी। फिर उसके बाद में वो कहने लगे क्या हुआ इसको, तो कहने लगे इसने ना ये साड़ी से बिटिया थी उस समय, इसे ये बताया गया। फिर उसके बाद उस मैंने पूछा कि इबादत पे हुआ क्या, मैंने उसके ससुर से पूछा जो नीचे बैठे हुए थे, मैंने बोला हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मार्केट गया था, खाना खा के सो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या था, फिर उसने बोला कि हम लोग अच्छे से खाने पीने गए थे, फिर एकदम से उसका ससुर बोला हाँ ये खाने पीने गए थे, हाँ खाने पीने गए थे, और मैं ना उसका छोटा बच्चा है 4 माह का, उसके लिए दूध लेने के लिए गया। मैंने कहा अच्छा, फिर बोलता है कि है ना, और जब मैं नीचे आया 10 मिनट बाद गेट बंद था और मैंने कुल्हाड़ी से मार मार के गेट तोड़ा और अंदर से रुद्र रो रहा था और मैंने कैसे ना कैसे करके उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली। अब आप ये सोचिए, और मुंह में से बदबू आ रही, और नहीं वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने उससे बात करी कि उसके तेज मुंह से दारू की बदबू आ रही बहुत तेज, मैंने उसको उसी समय बोला कि तूने दारू पी रखी, जैसे मैंने उसे दारू पिए बोल रखा, उसका ससुर वहीं से फरार हो गया और वो लड़का वहाँ से चला गया। मैं, मेरे पापा और मेरा एक फ्रेंड तीनों ले जाके पोस्टमार्टम के लिए उसको डेड बॉडी को लेने गए, वहाँ पे सबमिट कराने गए, कोई नहीं आया उनकी तरफ से, कोई नहीं था, हम लोग गए। अगले दिन हम लोग वहाँ पे चौकी भी गए, SMS चौकी में, तो बोला कि जहाँ पे वारदात हुई है ब्रह्मपुरी में वहीं पे ही सारी चीज होगी। हम सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पहुंचे, जब मैं यहाँ पर 8 बजे नाम बताता हूँ, आकांक्षा त्यागी, मैं मेरी डॉक्टर मनीषा शर्मा की बहन। उसके पश्चात मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, उसके पश्चात जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि पवन कुमार ओजट और उसका मित्र क्या नाम था उसका, मयंक मेहता हाँ। उनके दोनों की बाहर कार खड़ी हुई है, हम लोग जैसे पार्किंग करके अंदर आते हैं तो हमने थाने के वालों से पूछा कि भाई ये लोग भी आए थे क्या, पहले हमने अपनी रिपोर्ट बताई कि ऐसे ऐसे है डॉक्टर मनीषा, कहले हाँ हमारे पास में ना SMS से वो आ गया था कि ये वहाँ पर मृत्यु मतलब इन्होंने इनका वो हुआ है,
तो आप बताइए, हमने कहा आप ये लोग आए थे क्या? तो साफ मैंने कहा नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है इनकी तरफ से। पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं क्या? था कोई चार कर दिन से कोई नहीं कार्रवाई कर रही। नहीं, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो जो नॉर्मल कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे वहाँ पर जाना, अपनी बयान लेना हो, वही कर रही है, पर उनके खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं करा है। मतलब जो प्रोसेस है वही फॉलो कर रही है, प्रोसेस में इतना स्लो है, बिल्कुल उसी दिन हो गई थी। 304 धारा लगाई है इन्होंने, हमें तो पता नहीं कौन सी धारा लगनी चाहिए। और जो कि लड़की जो लड़की थी उससे दहेज की मांग के लिए यहाँ पे मिस्टर प्रताप मलकेड़िया जी हैं। और जो कि एक बात और है सर, मेरी एफआईआर की जो वो है ना पूरी, वो उनके सामने पढ़ के बताई जा रही है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैंने जो एफआईआर लिखाई है आप इनके बाप और इनके भाई के आगे, बड़े भाई के आगे क्यों बता रहे हैं? नहीं नहीं, उनको बस बता रहे हैं कि आपने क्या क्या लिखाया है। सर आप बताइए ऐसा होता है? अभी आप आए पुलिस अधिकारी, हमने उनको बोला अभी कि सर आपने ऐसा क्यों कहा, कि नहीं वो तो ऐसे ही बोल दिया था। वहाँ पर बयान लिखे थे ना, वो क्या बोलते हैं? मेरा नाम रेणु त्यागी, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, डॉक्टर मनीषा त्यागी की।